أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ودعوة الدائمين والأعداء المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صلوا بكم على محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى فرج अभी तक कोई खास हैरान तो नहीं हुआ कि पहनी हुई है या नहीं, दोबारा आज नहीं तो कल वो तो जाएगी। तो कुछ बातें रजब के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में आज करूँ कि रिवायतें रजब के हवाले से बहुत ज़्यादा है। रजब शाबान इन तीनों महीनों की अहमियत, इन तीनों महीनों की फजीलत, इन तीनों महीनों में इबादतें अंजाम देने के अजर व सवाब के हवाले से बेशुमार रिवायतें। और अभी आप देखेंगे ये एक दो दिन आपको लगेंगे थोड़ा सा रजब को संभालते संभालते, मुख्तलिफ पोस्ट मुख्तलिफ मैसेजेस जिसमें रजब के फजाइल और ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिन तो आती रहेंगी। अब क्योंकि सर पर है रजब तो पहली तबादुकान दो तीन रिवायतें आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। कम से कम अगर रजब में रोज़ा रखने वालों में ना शुमार हो तो रजब का तज़किरा करने वालों में तो नाम आ जाए। रिवायत जो है मशहूर रिवायत है, कई मरतबा की सुनी हुई रिवायत है आपकी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजब शाहरुख व शाबान शाह व रमजान शाहरुख उम्र। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का। अच्छा बात मौलाना ने बड़ी खूबसूरत तशबीह दी है रजब शाबान और रमजान की। फरमाते वक्त यानी कि उलमाए अहबार की बात कर उन्होंने तशबीह दी है, फरमाते कि जब आप रजब और शाबान और रमजान की मिसाल ऐसी है कभी घर खरीदते हैं तो पहले मरहले में घर की सफाई की जाती है। पहले मरहले में आप जाते हैं यानी बहुत ही इमरजेंसी वाला केस हो जिसको फौरी तौर पर शिफ्ट होना तो एक अलग बात है, पर नॉर्मल तो सिस्टम ही है कि आप पहले जाते हैं जाकर सफाई सुथराई करते हैं घर की, फिर घर को मुजयन करते हैं, मतलब ड्राइंग को सजाते हैं, बेडरूम को सजाते हैं, अलमारियाँ लगाते हैं, जहाँ पे औंठियाँ लगानी हैं, टीवी ठोकते हैं, ए सी लगवाते हैं, फिर उस घर को मुजयन करते हैं। फिर तीसरा मरला आता है कि आप उस घर में रहने जाते हैं और फिर उस घर से फायदा उठाते हैं। यही हाल के तीन महीनों में, पहला महीना है सफाई का महीना, रजब सफाई का महीना, शाबान जीरा देने का महीना और रमजान फायदा उठाने का। लिहाजा पहले महीने पहले रजब में अपने आप को गुनाहों से साफ करें, पाक करें, बख्शिश तौबा, इसलिए आप देखें दुआएं वगैरह जो रजब की होती है बहुत तौबा का तज़किरा। दूसरे महीने में अपने आप अपने अंदर अच्छाइयाँ ले लें, अपने आप अपनी रूह को मुजयन करें, जीनतें बख्शें, इबादतों की रगबत सही बात है। जब आप गुनाहों से दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली ये तो खुद इस महीने के अंदर कुछ परवर दिला रहा है, चाप रखा है कि आप फिर गुनाहों से बचता है, जब इंसान दूर होता है तो फिर एक दूसरा वो जो चांद मिलता है तो वो फिर नेकियों की तरफ जाता है। तो आप नमाजों के जरिए, इबादतों के जरिए, दुआओं के जरिए अपने रूह को मुजयन करें। जब इन दो मरहलों से गुजर के जब आप माह मुबारक रमजान में दाखिल हो तो अब फल खाने का वक्त है,
अब वो शुक्रा जो परवरदिगार आलम ने हमारे मुबारक रमजान में अपनी रहमत का अपनी मगफरत का अपने करम का बिछाया है उस शुक्रे से फायदा उठाने का वक्त है। तो ये तीन महीनों की खुसूसियात जो बात फरमाने बयान की। पैगंबर ने यही फरमाया कि पहला कि रजब जो है वो अल्लाह का महीना है, दूसरा जो मेरा महीना है और तीसरा मेरी उम्मत का महीना है कि जिससे वो फायदा उठाते हैं। अच्छा ये जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ ये उन मसाइल के लिए तमहीद बना रहा हूँ कि जो मसला मुझे सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करना है ताकि पता तो चले कि मैं कहाँ की कहानी सुना रहा हूँ आपको। तो वो इसलिए ये मजबूरन भी और कुछ तबर्रुकन भी बिलाखिर कुछ हदीसों का तज़किरा हो जाए। माह रजब की आमद आमद है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की रिवायत है, मौला फरमाते हैं यानी वाकई ये रिवायतें पढ़ने के बाद इंसान का दिल ही नहीं चाहता है कि कोई भी चीज़ छोड़े, किसी भी चीज़ को छोड़ने का इंसान का दिल नहीं चाहता। मतलब आप खुद सोचना इतनी सी आप नेकी करें और इतना बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलना हो तो किसका दिल चाहेगा कि उस नेकी को छोड़े। और ख़ास तौर पर अगर उसके पास वक्त हो, हौसला हो, हिम्मत हो तो फिर तो वाकई इंसान का दिल नहीं चाहता। तो इमाम फरमाते हैं कि सातवें इमाम रजब नहरुन फिल जन्नत अशद्द बियाज़न मिनल लबन व अहला मिनल असल। रजब जन्नत की एक नहर है, नहर का नाम है कि जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। मन सामा यौमन मिन रजब, जो एक दिन भी रजब में रोज़ा रखेगा सकाहुल्लाहु अज़्ज़ा वजल मिन ज़ालिकन नहर, खुदा उस नहर से उसको सैराब करेगा। एक रोज़ा पूरे 30 रोज़ों में से या 29 रोज़ों में से एक रोज़ा, अच्छा अगर मैंने नहीं रखा रजब में रोज़ा मुझे उस नहर से कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि वो मखसूस है रोज़े रजब का रोज़ा रखने वालों के साथ। यानी कैटेगरीज हैं वहाँ पे भी जन्नत में भी, बाज नेकियाँ या बाज जन्नत की नहरें कह लें या जन्नत की नेमतें कह लें वो मखसूस लोगों के लिए जिन्होंने मखसूस काम किए होंगे वो उनको मिलेंगी, नहीं किए होंगे नहीं मिलेंगी। हाँ बाकी जो उमूमी उसकी जिस कैटेगरी में वो पड़ता होगा तो जो उमूमी उसकी नेमतें हैं वो तो उसको मिलेंगी, लेकिन जो ख़ास नेमतें हैं मतलब जिस तरह ये रजब की नहर का से सैराब होना, अगर मैंने कभी रजब में रोज़ा नहीं रखा तो मैं इससे महरूम रहूँगा। चाहे जितना बड़ा मर्जी मैं इबादत गुजार हूँ, नमाज़ें पढ़ने वाला हूँ, इतनी बड़ी महराब हो, सब कुछ हो, कोई नमाज कज़ा नहीं, कोई वाजिब रोज़ा कज़ा नहीं, किसी का हक मैंने खाया नहीं कि जो बड़ा मुश्किल मरहला है, और वाह वाह वाह, लेकिन रजब का रोज़ा नहीं रखा मैं महरूम रहूँगा। चाहे आप मुझे जन्नत के किसी भी दर्जे में डाल दें लेकिन इस नहर से महरूम रहूँगा। ये है रजब में कोई एक मिनिमम एक रोज़ा रखें इस नहर से पानी आपका मुकद्दर बन जाएगा। ये एक रिवायत। अगली रिवायत फिर पैगंबर की रिवायत है, आप फरमाते कि इन नफिल जन्नत कसरन, जिस तरह वहाँ पे नहर थी अब महल की बात आ गई। जन्नत में एक ऐसा महल है कि ला यदखुलहु इल्ला सवाम व रजब, उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता मगर ये कि रजब में रोज़ा रखने वाले, जो रजब में रोज़ा रख। अच्छा इसमें कोई तादाद तो मुअय्यन नहीं की, अलबत्ता लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सवाम। सवाम जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ज़्यादा रोज़ा रखने वाले। अब इतने रखे कि ये कहलाए कि आपने रजब में ज़्यादा रोज़े रखे, अब कितने, अब ये आप माशाल्लाह सब उर्फ बैठा हुआ यहाँ पर, या आप लोग खुद बैठ के बाद में मीटिंग करके एक तय कर लीजिएगा कि कितने हों तो कहलाएगा, ये तय करना मेरे बस से बाहर है। लेकिन यह है कि सवाम कहलाना चाहिए कि ज़्यादा रोज़े रखने वाला, दुरुस्त। ये दूसरी रिवायत, वही बस इस कसर में दाखिल होगा, उसके अलावा कोई और इस कसर में दाखिल नहीं होगा। फिर एक और रिवायत, और फिर ये रिवायत अगेन इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से है। रजब एक अजीम महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम नेकियों को दुगना कर देता है और गुनाहों को मिटाता है। फिर एक शेख सदूक ने एक रिवायत नकल की है
एक किताब है उनकी फ़ज़ाइल अशहर सलासा, इन तीन महीनों रजब शाबान रमज़ान के फ़ज़ाइल, उसमें उन्होंने ये रिवायत नकल की है, मन सामा यौमन मिन रजब फ़ी अव्वल ही औफ़ी वसत ही औफ़ी आखिर ही गोफ़िर लहू मा तकद्दमा मिन ज़म्बे। जो शख्स रजब के अव्वल में एक, वसत में एक, आखिर में एक, तीन रोज़े, तो परवरदिगार आलम उसके मा तकद्दम गुनाहों को माफ़ कर देगा, गुज़श्ता सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। ये एक। फिर फरमाते हैं कि मन सामा सलासता अयामिन मिन रजब फ़ी अव्वल ही व सलासता अयामिन फ़ी वसत ही व सलासता अयामिन फ़ी आखिर ही गोफर लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बे ही व मा तअख्खरा। तीन रोज़े यानी रजब के पहला, वसत, आखिर, तो गुज़श्ता गुनाह, जो शुरू के तीन, वसत के तीन, आखिर के तीन, यानी नौ रोज़े, तो मा तकद्दम तो माफ़ होंगे ही होंगे, मा तकद्दम के साथ साथ मा ताखर गुनाह भी उसके माफ़ हो जाएंगे, जो ये नौ रोज़े रजब के रखेगा, तीन शुरू के, तीन दरमियान के, तीन आखिर के। फिर पैगंबर मासूम फरमाते हैं, वमन आहया लैलतन मिन लियाली रजब, जो रजब की रातों में से किसी एक रात को जाग कर गुजारे, आतकहुल्लाहु मिनन्नार, तो खुदा उसको आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर देगा। वा कबिला शफ़ातहु फ़ी सबीना अल्फ रजुलिन मिनल मुज़्नबीन, 70,000 गुनाहगारों के हक में इस शख्स की शफ़ात को परवरदिगार आलम कबूल करेगा, यानी आप में से हर शख्स शफी बन सकता है, इस शफात को खरीद, हक के शफात को खरीद, उजरत होती है ना हर चीज़ की, कोई उसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू एक रात जागना, एक रात जागना। फिर फरमाते हैं कि वमन तसद्दका बिसदकतिन फी रजब इब्तगा वजहिल्लाह, जो खुदा की खुशनूदी की खातिर रजब के किसी दिन में सदका देता है, तो अकरमहुल्लाहु यौमल क़ियामा फिल जन्ना मिन सवाब मा ला ऐन रात वला उज़ुना समयात, परवरदिगार आलम जन्नत में उसको उस सवाब से इकराम और एहतराम करेगा कि जिस सवाब को किसी कान ने सुना ना हो और किसी आँख ने देखा ना हो। वला ख़तरा अला कल्बिन कल्ब बशरिन, और किसी बशर के दिल में वैसा सवाब कभी खुतूर भी नहीं किया होगा, ऐसा नायाब किस्म का, अनमोल किस्म का अजर व सवाब परवरदिगार आलम उस शख्स को अता करेगा कि जो सदका दे माह मुबारक रजब में। अच्छा, और भी रिवायतें, बस मैं रिवायतें को यहीं पर, बाकी तो पोस्टें आपके पास भी आएंगी, आप भी पढ़ लीजिएगा बाकी चीज़ें। अब देखें, मसला यह है कि आप मफाती खोलें, दुरुस्त, फलानी रात गुसल, या फलाना दिन मसलन गुसल, फिर आगे बढ़ें, ये रोज़े तो मैंने अभी सिर्फ एक झलक दिखाई है, वरना रजब के हर एक रोज़ा रखे, ये अजर सवाब है, दो रखे, ये 30 तक का अजर सवाब बयान हुआ है, तो ये तो मैंने सिर्फ एक छोटी सी झलकी दिखाई है, वरना मैंने कहा ना कि रजब और शाबान और रमज़ान में इन चीज़ों की बड़ी ताकीद है, तो रोज़े रखने हैं। अब वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ आपके लिए, वरना एक पोस्ट ये भी आई है कि हर दिन की नमाज़ें रजब की, रमज़ान की तो होती हैं, रजब में भी होती हैं, पहले दिन की नमाज़ ये, दूसरे दिन की ये, तीसरे दिन की ये, तीसरे दिन की ये। अब नमाज है, रोज़ा है, नमी दनम गसल है, और बहुत सारी चीज़ें, तो ये करे तो इतना सदका दे तो इतना अजर व सवाब उसको दिया जाएगा, ऐसा अजर व सवाब मिलेगा कि ना किसी आँख ने देखा हो, ना किसी कान ने सुना हो, ना किसी के दिल में खुतूर किया हो, ऐसा अजर व सवाब उसको मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही वाली बात है, शुरू में तो लिखा हुआ है काल इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, या काला रसूलुल्लाह, या काला मसलन फ़लां इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, लेकिन काला या नहीं काला ये हमें क्या पता, लिखने से तो काला नहीं बन जाएगा ना। मैं आज किसी कागज़ कलम उठाऊँ, कुछ थोड़ा सा गौर व फिक्र करके एक बड़ी खूबसूरत सी हदीस लिख दूँ और उसके शुरू में लिख दूँ काल इमाम अलबाकिर अलैहिस्सलाम, और आपको उठा के पक्का जन्नती बना दूँ, खुश तो बड़े होंगे आप लोग। लेकिन ये हदीस तो मैंने बनाई है, इमाम बाकी ने तो कही नहीं। तो अब ये मसले यहाँ पर आते हैं कि हदीसों में आया तो है,
आया वाकयन इमाम ने फरमाया है या नहीं फरमाया है। अब मसला है अमल का। देखें इबादत आपको मालूम है, इबादत जब तक आप उस इबादत को खुदा से न जोड़ें वो इबादत इबादत नहीं बनती। खुदा से जोड़ने का मतलब कस्दे कुर्बत, कस्दे कुर्बत का मतलब खुदाया तेरे हुक्म को अंजाम देने के लिए इस काम को कर रहा हूँ। अब हमें यही नहीं मालूम कि खुदा ने हुक्म दिया भी है या नहीं दिया। देखें इमाम ने फरमाया यानी खुदा का हुक्म है, इमाम तो पहुँचाने वाले हैं ना, तो पहुँचाते हैं, हुक्म किसका है, हुक्म तो खुदा का है। रसूल ने फरमाया तो भी खुदा का हुक्म है, इमाम बाकर हो, इमाम कादिम हो, इमाम सादिक हो, कोई भी मासूम हो जो वो बयान कर रहे हैं कि ये करो तो ये अजर व सवाब और ये नेकी और ये फ़ायदे, ये सब असल में तो हुक्म इलाही हैं, ये तो खुदाई नुमाइंदे हैं जो हम तक खुदा का पैगाम पहुँचा रहे हैं। तो अब इस रिवायत को देखे, एक रोज़ा रखेगा रजब में ये अजर व सवाब। अब मैं रोज़ा रखने के लिए उठा सहरी की, अब जब नियत करने खड़ा हुआ तो शैतान साहब ने एक ज़ोरदार किस्म का हमला किया कि तुझे क्या मालूम बच्चे कि ये जो है ये अल्लाह ने कहा भी है या नहीं कहा, तुम कैसे इसको अल्लाह की तरफ नस्बत दे रहे हो, कैसे कुर्बतन अल्लाह की नियत कर रहे हो। नमाज बगैर कुर्बत की नियत के नहीं हो सकती, रोज़ा बगैर कुर्बत की नियत के नहीं हो सकता, सदका भी नेकी है इबादत है बगैर कुर्बत की नियत के नहीं होता, और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें आई हैं मसलन। अब करें तो क्या करें, तो इसको हमेशा अपने जहन में रखें, ये कायदा कानून फार्मूला जो भी आप इसको नाम देना चाहें कि शरीयत में यानी आप मुफाती उठाते हैं, ये सिर्फ रजब का मसला नहीं है, 25 ज़कात रोज़े की बड़ा अजर सवाब है। अब साबित है साबित नहीं हमें क्या मालूम, गदीर बड़ा अजर सवाब है साबित है या साबित नहीं हमें क्या मालूम। अच्छा गदीर में मोमिन को खाना खिलाने का भी बड़ा अजर सवाब है, खर्चा तो कर लिया और खाना तो खर्चे वाला काम है ना, अब मालूम नहीं कि ये जो किया ये किस खाते में जाने वाला है। सही है हदीस तो थी कि जो खाना खिलाएगा उसको ये अजर सवाब मिलेगा, लेकिन बिलाखिर अगर इमाम ने कहा होगा तो मिलेगा ना, कल को खुदा बोलेगा भाई मैंने कहा हो तो मैं जामिन, मैंने तो कहा ही नहीं था, ये तो आपने समझा ऐसा, मैंने कब कहा था कि ऐसा समझो। तो यहाँ पर अब इन मसाइल इन मुश्किलात को हल करने के लिए खुद रिवायतों ने एक फार्मूला दिया है, बस मैं उसी की तरफ इशारा करना चाहता हूँ ताकि ये मसले हमारे हल हो जाएं कि कहीं पे भी कोई भी मौका हो, कोई भी मुनासिबत हो, कोई भी इबादत या कोई भी अमल जिस पे अजर व सवाब का वादा किया गया हो अगर करना चाहें कस्दे कुर्बत करना चाहें तो कस्दे कुर्बत कैसे करें, यह है सवाल। अब मैं यहाँ से अपने मौजू पर आ गया, कहते कस्दे कुर्बत, देखें कस्दे कुर्बत का मतलब यह है कि हमने ये नस्बत देनी है खुदा की तरफ कि ये काम हम खुदा के कहने पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो हमें मालूम नहीं कि खुदा ने कहा है या नहीं कहा, तो कहते हैं कि इस किस्म के जितने भी आमाल हैं, देखें गुस्ल जुम्मा साबित है मालूम है साबित है, फुकहा ने फतवा दिए आप उसमें कस्दे कुर्बत करें, खुदाया तेरे कहने के मुताबिक गुस्ल जुम्मा करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह जाए करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से बाज़ रोज़े जिनको शरीयत ने माना है आप कस्दे कुर्बत कर लें कोई इश्काल नहीं है। अच्छा वैसे रोज़े के लिए एक फार्मूला और भी है, हराम रोज़ों को छोड़ दें तो हर दिन रोज़ा मुस्तहब है, ठीक है। अब जब हर दिन मुस्तहब है फ़र्ज़ करें पहली रजब मुस्तहब है या नहीं है, अगर रजब ना भी होती तो भी मुस्तहब था, अब पहली रजब है इत्तफाक से तो भी मुस्तहब है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं खास रजब के रोज़े के हवाले से बात करें वो उस इस्तेबाब के ऊपर ये सवाब नहीं है, ये जो अभी मैंने आपकी खिदमत में थोड़ा सा सवाब पढ़ा है ये सवाब वो कॉमन जो मुस्तहब रोज़ा है उसका नहीं है, रजब का खास रजब की नीयत से रोज़ा रखें, बस पहली रजब का रोज़ा रखता हूँ कुर्बतन इलल्लाह तो ये सवाब है, हमें इसको ठीक करना है। वो जो मुस्तहब अपना बिलउमूम है वो अपनी जगह पर है, वो अगर आप रख भी लेंगे तो वो जो भी खुदा ने उसका अजर व सवाब रखा होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो रजब के रोज़े का सवाब है ये हमें मिले। वो तो सही है मुमकिन है वो बहुत कम सवाब हो इस सवाब की नस्बत, तो हमें तो ये वाला चाहिए, हम तो सेल से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, दुरुस्त। तो इसका इलाज क्या है, कितने देखें जितने भी ऐसे मवारिद हैं जहाँ पर कोई हुक्म आपके लिए साबित ना हो कन्फर्म ना हो आप यकीन ना रखते हो कि ये खुदा का हुक्म है
और ख़ुदा ने ही हमसे मांगा है और आप उसको इबादत के तौर पर अंजाम देना चाहें, तो आसान हल ये है कि उसको रजाए मतलूबियत की नीयत से अंजाम दें। रजाए मतलूबियत का मतलब क्या है? रजा अरबी ज़बान में कहते हैं उम्मीद को। मतलूब देखें, जब खुदा को काम चाहिए होता है तो खुदा हमसे तकाजा करेगा नहीं, मांगेगा या नहीं मांगेगा? मांगने को कहते हैं तलब। अच्छा, मुझे मैं कहूँ जी पानी दे दें गिलास, तो मैंने पानी तलब किया ना, तो मांगना यानी तलब करना, वो पानी कहलाएगा मतलूब। जिस चीज़ को मांगा जा रहा है वो कहलाती है मतलूब। खुदा मांगेगा तो खुदा तलब करेगा, जिस चीज़ को मांगेगा वो हो जाएगी मतलूब। अब इस रोज़े का मतलूब होना हमें मालूम नहीं है, इस रोज़े का मतलूब होना हमें मालूम नहीं है, तो हम कहते हैं खुदाया इस उम्मीद से कि शायद ये रोज़ा मतलूब हो, रजाए मतलूबियत, यानी खुदाया शायद तूने इसको तलब किया हो, तो इस उम्मीद पर कि तूने शायद तलब किया हो मैं इस रोज़े को रखता हूँ, आपका रोज़ा सही हो जाएगा, और अगर खुदा ने मांगा होगा तो आपको ये सवाब मिल जाएगा, और नहीं मांगा होगा तो क्या होगा? असल मसला ये है कि अगर ना मांगा हुआ तो हम 9 दिन भूखे रहें। वैसे तो आजकल सर्दियाँ हैं और जो लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह आराम से उठते हैं तो उनका पौना रोज़ा तो ऐसे ही गुजर जाता है, तो वो इतना मुश्किल मरहला आजकल वैसे है नहीं। आजकल का रजब के रोज़े कोई बड़ा टास्क नहीं है, अगर कोई रखना चाहे तो आसान काम है। लेकिन बिलाखिर हमने तो वो उस अजर व सवाब को देख के मुंह में पानी आया था, हमारी तो रालें टपकी थी, और वो तो अगर फ़र्ज करें वहाँ पहुँचे, खुदा ने कहा मैंने तो मांगा ही नहीं था ये रोज़ा, तो अब क्या होगा? रिवायत का जुमला ये है, पैगंबर की रिवायत है और बाज़ दीगर मासूमीन से भी है ज़ाहिरन, कि फरमाते हैं कि अगर तुम तक कोई अमल पहुँचे हमारे नाम से जिस पर किसी अजर व सवाब का वादा किया गया हो और तुम उसी अजर व सवाब को हासिल करने के लिए उस अमल को अंजाम दो, तो परवरदिगार आलम अपने फजल से वो अजर व सवाब तुम्हें अता करेगा, वलो लम नकुल हो, चाहे हमने वो ना भी कहा हो, चाहे हमने वो ना भी कहा हो। लेकिन आपके सामने एक रिवायत आ गई जिसे अभी मैंने पढ़ी, इमाम काजिम ने ये फरमाया, पैगंबर ने ये फरमाया, इमाम सादिक ने ये फरमाया, जब आपने अजर व सवाब देखा, ओहो मा तकद्दमा मिन ज़म्ब व मा ताख़्खरा मिन ज़म्ब, आपने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, 9 रोज़े आजकल रखना मुश्किल नहीं है, मैं रख लेता हूँ, 3 शुरू में रखे, 3 दरमियान में रखे, 3 आखिर में रखे। वहाँ पहुँचे, पता चला अल्लाह ने कहा देख लो ये साहब ने तुम्हारे लोहे महफूज है, देख लो इस पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि रजब के ये 9 रोज़े जो है उस पर मैं ये अजर व सवाब दूंगा, लिखा हुआ नहीं है। लेकिन तुमने क्योंकि इस वजह से कि पैगंबर की हदीस समझते हुए इस अजर व सवाब को हासिल करने की खातिर तुमने ये अमल अंजाम दिया है, वलव नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अपने फजल करम से तुम्हें वो सारा अजर व सवाब दूंगा जो उस रिवायत में मौजूद था। ये है मसले का हल, चाहे पैगंबर ने कहा हो, आयमा ने कहा हो, चाहे ना कहा हो, बस नीयत आपकी ये होनी चाहिए कि जो अजर व सवाब बयान हुआ है मैं उस अजर व सवाब को हासिल करने की खातिर इस काम को अंजाम दे रहा हूँ, रजाए मतलूबियत फिक्री एतबार से, तो चाहे हमने ना भी कहा हो तुम्हें अजर व सवाब मिल जाएगा। तो इसमें आसान चीज़ ये हो गई कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सनद की बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने मफाती खोली, मफाती में लिखा हुआ कि अगर कोई शख्स मसलन 25 ज़कात का गुसल करता है तो मसलन फ़र्ज करें उसके लिए जन हाला, अब ये रिवायत पता नहीं है नहीं है, मैं तो अपने पास से अभी इस वक्त मिसाल बना रहा हूँ कि उसको जन्नत में एक बहुत बड़ा महल मिलेगा। आपने कहा यार चलो दुनिया में तो बड़े घर बना लिए, एक जन्नत में भी बना लेते हैं, गुसल ही करना है ना, गुसल कर लेते हैं, गुसल कर लिया आपने उस महल की खातिर। लेकिन ऐसी कोई हदीस थी नहीं, रसूल ने नहीं कहा, आयमा ने नहीं कहा, अल्लाह ने नहीं मांगा, लेकिन आपने रजान इस पर अमल कर लिया तो समझे आपका महल हो गया पक्का, आपका महल हो गया पक्का। इसी तरीके से कोई अगर 25 ज़कात का रोज़ा, ये 25 यानी 4 रातों में से एक रात है जो ज़ाहिरन
जिसके रोज़ों का बहुत ज़्यादा अजर वाब दिनों में से एक दिन है कि जिसके रोज़े का बहुत अजर वाब बयान किया। शायद अब जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है, एक रोज़ा 60 साल के रोज़े के बराबर है। हो आपने रोज़ा रख लिया 60 साल के चक्कर में कि चलो एक रोज़े पे 60 साल के, जिस तरह लोग कलाएँ उम्र ही नहीं पढ़ते रमज़ान के आखिर में, इस चक्कर में कि चलो नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी, होता कुछ भी नहीं है। अलबत्त वो क्यों वाजिबात का मतलब है, तो वहाँ ये हदीस मत अल्लाह मियाँ को सुनाने बैठ जाइएगा कि आखा ने हदीस पढ़ी थी ये वाली। दुरुस्त, वो वाजिबात का मतलब है, उसमें तो फुकहा ने आगा सिस्तानी ने भी कहा है कि वो सही नहीं है, उससे आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये बात है मुस्तहबात की, अजर व सवाब की, जिम्मेदारी उतारने के हिसाब से नहीं है, ये अजर व सवाब के हिसाब से कि इतना अजर व सवाब अगर आपको चाहिए, अब हमें नहीं मालूम कहा है नहीं कहा है, आप रजा की नीयत से अमल को अंजाम दे दें, आपको वो अजर व सवाब भी मिल जाएगा, आपका जो है फिक्री तौर पर मसला भी हल हो जाएगा कि आप खुदा की तरफ नस्बत देने वाले भी नहीं बनेंगे, और जिसको कहते हैं सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी, अजर व सवाब भी मिल जाएगा और कोई और मसला भी आपके लिए पेश नहीं आएगा। तो जितने भी मफाती के आमाल हैं, कोशिश करें कि उनको रजा की नीयत से अंजाम दें, आपकी मुश्किल कहीं फिक्री तौर पे आपकी मुश्किल नहीं आएगी। ये एक मसला था जो अहम मसला था, क्योंकि मैंने कहा ना रजब अभी तक तो चांद नहीं हुआ, पाकिस्तान में कभी भी हो सकता है, फजर के वक्त भी हो जाता है तो पाकिस्तान का तो कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए उम्मीद हो सकती है कि कल ही हो जाए, लेकिन अगर कल नहीं भी हुआ तो परसों तो पहली होनी होनी है। तो इस एतबार से ये बयान करना मैं बेहतर समझता था कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए ताकि आप रजब के लिए कमर कस के बैठें। दुरुस्त, एक दुरूद भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, इसके बाद मुझे कुछ मुतफर्रिक मसाइल दिए गए हैं, कुछ स्टॉक के हवाले से हैं और कुछ जो है वो खुम्स के हवाले से हैं। पहले मैं एक खुम्स का मसला आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो इत्तफाक़ से आज एक साथी आए थे, दोस्त आए थे, उन्होंने भी पूछा और बिलाखिर ये मसला जो है वो पेश आने वाला मसला है और अहम मसला है। और वो मसला ये है कि अच्छा, मुमकिन है अभी भी आपके दरमियान जो हैं ऐसे अफराद मौजूद हों जो आज भी आगाह खुई की तकलीफ पर बाकी हों, तो आगाह खुई के हिसाब से भी ये मसला आता था कि जो ये कहते थे कि हर नफ़े का अलग अलग साल आप बना सकते हैं, आपके लिए एक डेट तय करना वाजिब नहीं है, आप चाहें अपने आप को परेशान करना तो आप हर नफ़े का अलग अलग साल बना सकते हैं। सरदर्द परेशानी के अलावा इस नज़रिए का नतीजा कुछ ला हासिल, कुछ इसका हासिल चंद थोड़े से पैसों की बचत ज़रूर है, लेकिन उसके बाद शायद वो सारे ख़र्चा जो आप बचा के रखेंगे ना वो हैदराबाद के चक्करों में खर्च हो जाएगा, लिहाजा बेहतर यह कि थोड़े से पैसे खर्च कर लें। और आगे सिस्तानी के अंदर भी ये मसले आते हैं। मसला ये है कि फ़र्ज़ करें, हालांकि मैं अभी फ़ैलन आगे सिस्तानी को बेस बनाता हूँ क्योंकि इस वक्त अक्सरियत तो उन्हीं की तकलीद में है, ख़ासतौर पर जवान बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं तो उन्हीं की बात करते हैं हम। इस वक्त किसी को आगा खुई का पूछना हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं, ये समझ में आ गया तो उनका भी मसला यही बनेगा। मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में आ रही है, ठीक है, तनख्वाह है मेरी 2 लाख रुपया, खर्चा मेरा 1 लाख रुपया, हर महीने 1 लाख बच जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का जहन बहुत चलता है इन चीज़ों में कि बचत कैसे करनी है, खुम्स कैसे बचानी है, तो वो हर वक्त प्लस माइनस करते रहते हैं कि यूं कर लें तो शायद कुछ खुम्स बच जाए। खैर देखें, जहाँ पर शरीयत ने अब इजाज़त दी है बचा सकने की, तो बचाने में कोई वैसे तो कोई कबाहत नहीं है, फ़िक्हन और शरान कोई गुनाह नहीं कर रहा, वो कोई हराम काम नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल एक सोच है। तो मसलन फ़र्ज़ करें आप वो 8 महीने तक 1-1 लाख आपका बचता आ रहा है, ठीक है, 4 महीने बाद इस 8 लाख के ऊपर खुम्स वाजिब हो जाएगा, अगले 4 महीने में आपको 2-2 लाख मिल रहे हैं नई तनख्वाह है, बताइए आगे सिस्तानी से ज़्यादा आगे खुई के अंदर ये मसला फ़ायदा देगा, क्योंकि आगे सिस्तानी का तो नज़र ये कि 8-12 महीने बाद आपकी डेट आ गई, वो तो डेट के कायल है ना असल में, तो जैसी डेट आई है वो पुराना हो या नया हो आपको खुम्स तो देना ही देना है, तो उधर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये आगे खुई के नज़रिए में फ़र्क पड़ता है कि मैं चाहूँ कि ये पैसे जो 8-4 महीने में 8 लाख आ रहे हैं
आहिस्ता आहिस्ता दो दो लाख करके पुराने चेंज हो जाएं, और पुराने नए बन जाएं और नए पुराने बन जाएं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम मैं मसला समझा पाया हूँ आप लोगों को, नहीं समझा पाया कि 8 महीने तक एक एक लाख में बचाता रहूं, जनवरी का 1 लाख बचा हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अब अगस्त के बाद जो 4 महीने आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2-2 लाख मुझे आने, मेरे हाथ में सितंबर की पे आई। अब ये तो अभी की है ना, अगर खुई के हिसाब से तो मैं इसके ऊपर अभी एक पूरा साल गुजार सकता हूं। तो मैं कोई ऐसी कहानी बनाऊं कि ये जो है मेरे हाथ में 2 लाख, ये वो जो पिछले जनवरी और फरवरी के जो 1-1 लाख बचे हुए थे वो हो जाएं, और वो जो जनवरी और फरवरी के जो 1-1 लाख थे वो ये वाले 2 लाख नए वाले 2 लाख बन जाएं, ताकि उसको फिर अगेन आपके पास 1 साल की एक्सटेंशन आपको उस पैसे में मिल जाएगी। ये हो सकता है, मैं नियत कर लूँ बस कि ये वो और वो ये, आया नियत से खाली चेंज हो जाएंगे और जो बेनिफिट मैं हासिल करना चाह रहा हूं वो बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए दोनों के नजरिए में ये काम नहीं हो सकता, नियत से नहीं हो सकता। अच्छा ये बात औकात दूसरी करेंसी में भी आती है ये कहानी, मतलब आपके पास डॉलर पड़े हुए थे उन पे साल होने वाला था, अब आपके हाथ में रुपए हैं, आप कहें कि मैं अपने डॉलर खरीद लूं इस नए रुपयों से, तो वो डॉलर नए बन जाए और रुपए पुराने हो जाए, उधर भी ये कहानी आ सकती है जहाँ पे करेंसी आपकी डिफरेंट हो, कि पुराने जो पड़े हुए थे वो डॉलर पड़े हुए थे, नए आपके पास जो तनख्वाह आई है फर्ज करें कैश में वो रुपए हैं, आप क्या करें, आप ये करें कि ये डॉलर जो हैं नियत करें कि जी ये समझे मेरे इसके मैंने डॉलर खरीद लिए और डॉलर वाले अमाउंट ये बन गई और मैं इसको खर्च कर लूँ, तो खाली नियत से तो कुछ होने वाला नहीं है ना, आप अपने आप को कोई चीज़ खुद बेच सकते हो खरीद सकते हो, इंसान खुद ही बेचने वाला और खुद ही खरीदने वाला हो ये तो होता भी नहीं है दुनिया में, कहीं पे भी नहीं होता सिवाय उन लोगों के पास जो खूब बचाना चाहते हैं तो और कहीं नहीं होता दुनिया में ऐसा। तो ये ना खरीदो फरोख्त आपकी अपने साथ सही है, ना खाली नियत कर लें कि जी ये वो बन जाए वो ये बन जाए। हाँ फिजिकली अगर आप चेंज करते हैं, आप जो है वो पैसे जो आपके पड़े हुए थे आप इन पैसों को उनकी जगह पे रख दें और उस पैसे को जो पुराने वाले पैसे हैं उसको खर्च कर लें तो ओके हो जाएगा, लेकिन खाली नियतों के ज़रिए चेंज करना या आप इन पैसों को इस नियत से खर्च कर रहे हैं कि मैं पुराने वाले खर्च कर रहा हूँ, हाथ में नए वाले पैसे अभी की तनख्वाह है लेकिन आप अभी की तनख्वाह से, मतलब आप जा रहे थे ईरान, आपने ये नियत की जो मेरे पुराने 2 लाख पड़े हैं मेरे पास घर में, मैं ये 2 लाख ये वो वाले हो गए और ये वाले वो और वो वाले ये, लिहाजा मैं पुराने वाले 2 लाख नियत करके आपने पुराने वाले 2 लाख की नियत से नए वाले 2 लाख पकड़ा दिए, तो ये आपके नए वाले ही 2 लाख गए हैं, पुराने वाले 2 लाख अभी भी वहीं पड़े हैं। फिजिकल चेंज ज़रूरी है, फिजिकल चेंज ज़रूरी है, क्या आप फिजिकली उनको चेंज करें तो बात सही है, और अगर आप फिजिकली चेंज नहीं करते हैं सिर्फ नियत के जरिए घुमाना फिराना चाहते हैं तो ये आपकी मुश्किल को हल नहीं करेगा, या आप मसलन तनख्वाह आती जाती है आप नियत ये रखें कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो अकाउंट में आती है तो आप नियत ये करें कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो नए वाले खर्च कर रहा हूँ, सिर्फ नियत के जरिए उसको तय करें, निकलवाएं आप इस नियत से कि जी ये मैं नए वाले पुराने वाले निकलवा रहा हूँ तो उससे वो मुअय्यन हो जाएंगे, लेकिन खाली नियतों के ज़रिए आप उसको घुमाते फिराते रहें तो खाली नियतों से काम नहीं चलेगा, ना वो चेंज होंगे, ना नया पुराना बनेगा, ना पुराना नया बनेगा, जो आपने नया पुराने की नियत से खर्च किया वो नया ही रहेगा, जो पुराना इस नियत से आपने रख लिया कि अब ये नया बन चुका है वो पुराना ही रहेगा, लिहाजा जब उसका साल पूरा होगा जिससे बच रहे थे उसी में फंस गए तो उसकी खुम्स आपकी गर्दन पर वाजिब हो जाएगी। हाँ अगर फिजिकली आपने चेंज किए हों तो मसला हल हो सकता है, फिर आपकी गर्दन से खुम्स बच सकती है, ये एक चीज़। एक सिमिलर मसला आता है खुम्स में कि फ़र्ज़ करें मेरे अकाउंट्स में कुछ मुखम्मस पैसे भी पड़े हुए हैं और कुछ गैर मुखम्मस पैसे भी पड़े हुए हैं, वहाँ
जो इस वक्त अब मेरे जहन में है वहाँ ये कहा है फुकहा ने, अगर सिस्तानी ने मसलन, कि अब अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी को 1,00,000 रुपये का चेक दिया, तो ये 1,00,000 रुपये का चेक ये ऑटोमेटिकली आपके गैर मुखम्मस अमाउंट में से जाएगा, चाहे आपने नियत ना भी की हो। तो ये जो आपने 1,00,000 का चेक किसी को काट के दिया और उसने 1,00,000 विड्रॉ करवाए हैं, तो सारी बात है वो तो नियत करेगा नहीं, उसको क्या बल पड़ी हुई है कि आप पे खुम्स आती है या नहीं आती है। आपने भी नियत इत्तफाकन नहीं की, लेकिन ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो मुखम्मस और गैर मुखम्मस एक ही जगह पर पड़ा हुआ हो, तो वो जो आप खर्चे कर रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली गैर मुखम्मस माल से खर्चे कहलाएंगे। इसीलिए आगर सिस्तानी कहते हैं कि जब साल के एंड में अगर आप देखें मुखम्मस से ज़्यादा है आपका, जितना मुखम्मस लास्ट ईयर था, तो उस पर खुम्स वाजिब होगी, वरना कोई खुम्स वाजिब नहीं होगी। मतलब फ़र्ज़ करें लास्ट ईयर आपके अकाउंट में 80,000 बचा था, 20 आपने खुम्स दे दिया, 80,000 बचा हुआ था। इस दफ़ा आपने साल के एंड पे कैलकुलेट किया तो फिर 80,000 बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि जी ये 80,000 ये वो वाला जिसका खुम्स वाजिब नहीं हुआ था लिहाजा इसका खुम्स दो, बल्कि ये 80,000 आपका वो वाला अकाउंट होगा जो मुखम्मस था पिछले साल वाला, खुम्स पेड के बाद जो बचा था ये वो वाला अकाउंट होगा, लिहाजा इसके ऊपर अब आपको दोबारा से खुम्स नहीं देना पड़ेगा। अगर ये हाँ, अगर 80 के बजाय 1,00,000 बचा है तो 20,000 के ऊपर आपको खुम्स देना पड़ेगा। ये खुम्स का मसला कि नियत से मसले हल होते हैं कि नहीं होते, तो नियत से बाज़ जगह पे तो मसले हल होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नियत से मसला हल नहीं होगा। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात जो ज़्यादातर सवाल किए गए हैं वो हैं स्टॉक के हवाले से। पहला तो सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है, अगरचे पता नहीं 3-4-5 साल पहले ये बातें जब बैंकिंग के मसाइल आए थे और वो सारी गुफ्तगू हुई थी बड़ी तूल और तफसील से, ये बातें तो आ चुकी हैं, लेकिन दुनिया गोल फिर घूम के आ गई। पहला तो सवाल ये है कि आया स्टॉक मार्केट में काम करना यानी कारोबार करना शेयर्स का, ये जायज़ है या जायज़ नहीं? आप लेते हैं, बेचते हैं, नफ़ा कमाते हैं, नुकसान भी होता है, नफ़ा नुकसान सब कुछ चल रहा होता है बिलाखिर। तो स्टॉक के ज़रिए कमाई करना, आपने शेयर्स ले लिए, कीमत बढ़ गई, आपने बेच दिया, 1,00,000 के थे 1,25,000 के बिक गए मसलन, ये 25,000 जो आपने कमाया है तो ये जायज़ कमाई है, हलाल कमाई है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या मसला? देखें ज़ाती तौर पे अगर देखा जाए तो शेयर्स की खरीदो फरोख्त हराम नहीं है, जायज़ कारोबार है ये शेयर्स का, मुंता अगर हकीकी शेयर दो। एक होते हैं फर्जी शेयर्स, फर्जी कंपनी के फर्जी शेयर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो सही नहीं है कि खारिज में कुछ है ही नहीं। एक ये होता है कि नहीं, खारिज में कंपनीज मौजूद हैं, वो कंपनीज अपने सरमाया खींचने के लिए लोगों से शेयर्स फ्लोट करते हैं मार्केट में, जैसे फार्माक्यूटिकल कंपनीज होती हैं, सीमेंट कंपनीज होती हैं, या और दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स बेच मार्केट में डालते हैं और आप उनको खरीदते हैं। तो ये जो शेयर्स आप खरीदते हैं जो हकीकतन कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, उनके पास माल है, सब कुछ है, तो इसके अंदर तो किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। सिर्फ शर्त इन्होंने जो लगाई है आगा सिस्तानी ने, वो ये लगाई है कि वो कंपनी जो कारोबार करती हो वो हराम कारोबार ना हो या सूदी कारोबार ना हो। जैसे बैंक, बाद अवकात बैंक भी अपने शेयर्स डालते हैं मार्केट में, आपने फ़र्ज़ करें किसी बैंक के शेयर्स उठा लिए, लेकिन बैंक क्योंकि सूदी काम करता है, अलबत्ता एक सूरत बनाई है आगा सिस्तानी ने कि बैंक के शेयर्स को आप होल्ड कर सकें, रख सकें अपने पास और उन पर नफ़ा कमा सकें। आगा खुद नहीं मानते थे, आगा खुद से ये कहते थे कि ये जो बैंक के शेयर्स हैं सिर्फ इस हद तक कि आपने लिया और फौरन दे दिया, रोक नहीं सकते अपने पास। आप कहें जी मैं रोक लूँ, महीना देख लूँ, शायद रेट अच्छे हो जाएँ, नहीं, रोकने का इख्तियार नहीं है, सिर्फ समझे बीच में एज अ ब्रोकर कि लें और दे दें, पकड़ें और निकाल दें, इस हद तक आगा सी कोई ने इजाज़त दी थी। लेकिन आगा सिस्तानी कहते हैं कि नहीं, एक सूरत ऐसी है कि जब आप चाहें तो बैंक के शेयर्स को रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं, और वो सूरत यह है कि आप जो जिस बैंक के भी आपने शेयर खरीदे हैं उसके जो बड़े हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको अपनी सूदी मामलात की निस्बत
नाराज़गी का इजहार कर दें कि आप राज़ी नहीं हैं कि मेरे जितने भी शेयर्स हैं उनकी नस्बत आप सूदी मामला करो, मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात पर। अच्छा, इत्तफाक़ की बात है, ये जुमला भी लिखा है इन्होंने, इस्तफ्तात आप जाके देखिएगा, उसमें ये जुमला भी ऐड किया है आगा सिस्तानी ने कि चाहे बाद में बैंक कुछ भी ना करे, आपका आपकी जिम्मेदारी सिर्फ कहना है, डंडा लेके सर पे खड़ा होना नहीं कि चलो इसके ऊपर अमल भी करो, नहीं, बल्कि उन्होंने उल्टा लिखा है कि आपने कह दिया चाहे बैंक बाद में इस पर कुछ अमल ना करे तब भी अब आपके लिए उनको रखना जायज़ हो जाएगा और वो जो सूदी मामलात वो कर रहे हैं उसके गुनाह से आप बच जाएंगे और आपके लिए नफा हलाल हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आपको उस बैंक के जो बड़े हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि आप बैंक के सूदी मामलात पर राज़ी नहीं हैं। इतने से मसले से इतना बड़ा मसला हल हो जाता है। बस अगर कोई कंपनी, मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी हो जो शराब बनाती है, शराब बेचती है, उसने शेयर्स डाले, आपको बड़ा अच्छा मुस्तकबिल नज़र आया, नहीं खरीद सकते, इसलिए कि वो हराम काम कर रहे हैं। बैंक कोई शेयर्स अपने डालता है, अगर आप ऐलान नहीं करते तो फिर वही आगा खुई वाला मसला, ऐलान ना करें तो आगा खुई जैसा मसला है कि सिर्फ आप ले कर निकाल सकते हैं, रोक नहीं सकते, और अगर ऐलान कर दें तो फिर आपका मसला हल है कि आप उसको रोक भी सकते हैं, नफ़ा भी सही हो जाएगा और सूदी मामलात का जो गुनाह है वो भी आपकी गर्दन पर नहीं आएगा। ये तो एक ओवरऑल मसला हो गया कि क्या शेयर्स का जो कारोबार है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसका जवाब आपको मिल गया कि जी हाँ, इन दो शर्तों को मद्देनज़र रखते हुए शेयर्स का कारोबार किया जा सकता है, यानी स्टॉक मार्केट का जो काम है वो अपनी जगह पर सही है। अब इसके बाद जो एक दो सवाल आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने उनको छेड़ा तो कहाँ टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं पहले ही बहुत बदनाम हूँ कि आप वक्त पे ख़त्म नहीं करते हैं, लोग तो शक्ल देख ही कहते हैं लो जी सवा डेढ़ घंटा तो गया, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वो सवा डेढ़ घंटा जाए आपका। मेरा ख्याल है अभी भी तकरीबन 45-50 मिनट तो हो ही चुके हैं, तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है या इसी किस्म के एक दो मसले हैं जो स्टॉक के हवाले से हैं, वो इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले हफ्ते मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आखिर में परवरदिगार आलम से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इंतहाई बाबरकत महीना हमारे सर पर है, नहीं मालूम अब तक चांद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगर आज नहीं हुआ तो कल शब अव्वल होगी और इंतहाई बरकतों और बख्शिश वाला महीना है जो हमारे सामने है। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें इस बख्शिश रहमत बरकत वाले महीने से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाह रुकावट न बने कि हम रजब की इबादतों से महरूम रह जाएं। बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसी बाबरकत महीने के सदक़े में तमाम मोमिन मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब अगरचे फातह तो आखिर में पढ़वाई जाएगी, लेकिन हमारे एक बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ है, दो तीन दिन पहले इनके वालिद का इंतकाल हुआ। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जितने भी अफराद यहाँ पे मौजूद हैं उनके मरहूमीन, इस बच्चे के वालिद, मेरी वालदा का भी इंतकाल हो चुका है, मेरी वालदा और जमीय मोमिन मोमिनात के मरहूमीन, बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनकी कब्र व बरज़ख़ की मंजिलों को आसान फरमा, उनकी कब्र को नूर आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमा। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनकी तमाम गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो मोमिन मोमिनात इस दुनिया में मौजूद हैं, हम सब के लिए तमाम गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं, ख़ास तौर पर हाजिर में महफिल में से अगर कोई परेशान है, इन बाबरकत अय्याम के सदक़े में तमाम मोमिनीन की तमाम परेशानियों को बरतरफ़ फरमा। जो मकरूज हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार हैं उनकी रोज़ियों में बरकत इनायत फरमा। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो बे औलाद हैं उनको औलाद साले व सवी इनायत फरमा, जो साहिबान औलाद हैं उनकी औलाद को नेक व साले करार दे, हमें अपने वालदेन के लिए और हमारे औलादों को हमारे लिए बाक़ियात व सालेहात में से करार दे। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद, जहाँ कहीं भी मोमिनीन व मोमिनात मौजूद हैं, बीमार हैं,
ख़ास तौर पे बीमारी के लिए इल्तमास से दुआ कहा है, जो इस वक्त ज़हन में हैं, जो ज़हन में नहीं हैं, मौजूदीन इनके मुतालिकीन बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाम बीमारों को सेहत कामला और आजला इनायत फरमा, औदात इल्मिया की हिफाजत फरमा, मराज निज़ाम की हिफाजत फरमा, हम सबको इमाम के आवान और अंसार में से करार दे, इमाम के दिल को हमसे राजी व खुशनूद फरमा, इमाम की ज़ुहूर में ताजील फरमा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नाका अंतस्समीउद्दुआ बिरहमतिका या अरहम।